दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान की, जैसा कि अब स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे और ये इसका अगर हम साइज़ की बात करें तो 33x44 33x44 फीट में पूरा मकान डिज़ाइन किया है मैंने और बहुत ही बेहतरीन सा प्लान होने वाला है। इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। इसका पूरा डिटेल मैं आपको बताऊँगा कि इस घर का फ्रंट एलिवेशन है जो आप देख पा रहे हो बेहतरीन सा है। साइड में विंडो मैंने दे रखी है, अगर आपका ओपन एरिया है तो आप विंडो दें, अन्यथा आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं। ऊपर मैंने स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी बनाया है और गुमटी के ऊपर आपका वाटर टैंक पानी की टंकी जो होती है वो रखी है। तो इसी मॉडल को पूरा डिस्कस करेंगे। 33x44 33x44 फीट का ये मॉडल आपके सामने लेकर आया हूँ एक बेहतरीन सा। तो चलो इसे सबसे पहले मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो मैं जैसे जूम करता हूँ तो ये देखिएगा प्रॉपर इसका रेलिंग वगैरह आप देखिएगा। प्रॉपर सा इसका जो मैंने टेक्स्चर दिया है, डिज़ाइन दिया है वो आप देखिएगा नॉर्मल सा है। और इससे पहले आपने अगर इस माल हाउस प्लान को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों इस माल हाउस प्लान पर आपको लगातार अपडेटेड नए नए वीडियो मिलते रहते हैं, नए नए मॉडल्स मिलते रहते हैं। तो आज का जो प्लान है 33x44 उसका ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है जो आप देख पा रहे होंगे। इसी को देखिए प्रॉपर तरीके से अगर इसका हम डिटेल बताएं, सबसे पहले आपको चार पिलर मिल जाते हैं जो कि एज आ पोर्च आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके ऊपर ये डिजाइनिंग के पर्पज़ से ब्लू कलर और वाइट कलर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन जो कि आप पट्टियाँ से देख रहे हैं ये पूरा कॉम्बिनेटेड है। यहाँ से स्टेयर्स हैं जहाँ से आप चढ़ेंगे और लंबा सा आपका ये पोर्च मिलता है आपको। इसे आगे बारंदा और पोर्च दोनों मिलता है। जैसे आप एंट्री करते हैं मेन डोर ये है तो दोनों लेफ्ट और राइट साइड आपका दो बेडरूम्स हैं, लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड में भी, और दोनों का एंट्री पॉइंट आपके इस बारंदे से है। इसका मेन डोर ये है, मेन डोर से आप अंदर जाएंगे। जैसे आप अंदर जाते हैं तो अब आपको राइट हैंड साइड में मिल जाती है स्टेयर्स जिससे आप चढ़ेंगे और टर्न होकर वापस आ जाएंगे। और राइट हैंड कॉर्नर पर आपको एक और बेडरूम देखने को मिलता है। सबसे सामने आपका किचन मिलता है। ये देखिए किचन का एरिया है, मैंने यहाँ पर डोर नहीं दिया है। ये आपका लेटेंट बात है, ये आपका एज आ बेडरूम आप इसे कंसिडर कर सकते हैं या अगर आप चाहते हैं तो इसे डाइनिंग हॉल बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको तीन बेडरूम, एक डाइनिंग हॉल और ये आंगन और साथ साथ बड़ा सा किचन, लेटेंट बाथ और साथ साथ स्टेयर्स और आगे कार पार्किंग के लिए पोर्च और आपका एक बेहतरीन सा बारंदा देखने को मिल जाता है जो कि 33x44 में मैंने डिज़ाइन किया है। अगर हम इसके मॉडल फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो ये विंडो दिया है और ये देखिएगा ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन की पट्टी है, यही आपके घर को नया लुक दे रही है। और ब्लू कलर में आपका ये लाइनिंग वगैरह ही और आपके घर को बेहतरीन सा लुक देने वाला है। तो इसके लास्ट फ्लोर की बात करें तो ये इसका लास्ट फ्लोर है और इस पर 3.5 फुट का चारों तरफ बाउंड्री और ग्रिल देखिएगा मैंने जो यहाँ पर बनाई है यहाँ राउंड शेप में है। और यहाँ पर फिर इसका स्टील्स की रेलिंग यहाँ पर लगी हुई है प्रॉपर तरीके से। लास्ट फ्लोर पर ये देखिए गुमटी और गुमटी को ढकने के लिए छत, उसके ऊपर आपका वाटर टैंक पानी का टैंक रखा हुआ है जिससे आप पूरे घर में सप्लाई कर पाएंगे। तो ये पूरा मॉडल 33x44 तो ये मॉडल कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इसकी कॉस्ट आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या लगेगा इसे बनवाने में तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि इस माल हाउस प्लान के नाम से है और प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया है। तो वो आपको पूरा इसका कॉस्ट क्या लगेगा, इसमें मटेरियल कितना लगेगा वो सब कुछ बता देता है। तो आप उसे डाउनलोड कर लें। ये मॉडल कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।